सो गाइस देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल है भाई, सब जबरदस्त। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे सफेद और एक लाल फूल, पीछे बोर्ड लगा हुआ है मेरी यमुना का, अच्छा सा लग रहा है। और इधर जो है ना पूरे के पूरे फ्लावर्स देख सकते हैं, मस्त लग रहा है। मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, दोस्त है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी जो है फिलहाल ठीक हूँ। मैं आया हूँ आज सीता पार्क, ये है यमुना ब्रिज के सामने। अभी सारा लोकेशन आपको मैं बताऊँगा कैसे कैसे आना है। यहाँ पे ITO का मेट्रो स्टेशन सबसे पास मेट्रो स्टेशन है। सो चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं अंदर आ चुका हूँ अभी, सबको आप सब कुछ आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। सो फटाफट चलते हैं विदाउट डिले, सारे फूल पौधे बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, चलो फटाफट चलते हैं। अगर आप लोग गूगल से आओगे ना, गूगल के मैप से, तो आपको कंफ्यूज करेगा। गूगल मैप से मत आना, ITO से आते हो सीधा ब्रिज पार करते ही ये सीधा ईस्ट है। ये देख सकते हैं ये रहा ब्रिज, ब्रिज पार करते ही ये सीधा ईस्ट है। A heart's beat to the city streets. ये रहा मेन गेट, मेन गेट से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं। और इस तरफ जो है आपका क्या कहते हैं पार्किंग है, इस तरफ पार्किंग है। अब इधर से भी जा सकते हैं, बस इधर से ही चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैप बना था इसी टाइस्ट का, और ये तो बॉडी गार्ड भी बैठे हैं हमारे। ये पूरा मैप ऐसा है, एक दो तीन पॉइंट है यहाँ पे, चार पॉइंट है। देखते हैं कितना विजिट कर पाते हैं, वो कर लेंगे। बहुत सुंदर सा लग रहा है देखने में। नीचे के ढलान की तरफ जाएंगे, यहाँ पे पार्किंग है, मैं पार्किंग पे भी दिखाऊंगा आप लोगों को, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या टिकट है, क्या टिकट प्राइस है, क्या मतलब पार्किंग चार्जेस है, सारे कुछ बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहिए, देख सकते हैं बहुत ही मतलब सुकून है यहाँ पे ना, नीला आसमान, ग्रीन ग्रीन जो है अपना घास पेड़ पौधे, मस्त लग रहा है भाई, ज़बरदस्त लग रहा है। इधर इस तरफ देख सकते हैं, अभी धीरे धीरे सारे चीज़ें दिख जाएंगी आप लोगों को। वाटर बॉडी ये पार्किंग इस तरफ लिखा हुआ है, सारे चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं। एग्जिट इस तरफ है, अभी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे एग्जिट है। का पेड़, ये वाला पेड़ जो है झाऊ का पेड़ है, इसके बारे में डिटेलिंग बताया हुआ है, देख सकते हैं। ओए होए देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना, मस्त इस तरफ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री करना होता है, एंट्री करके आप अंदर एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं वो लोग, मतलब एक अच्छी चीज़ है यार ये, मतलब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, सही इन्फॉर्मेशन दे देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं ऊपर आसमान नीला नीला, नीचे नदी, अभी नदी में भी पहुंचेंगे, अभी दूर से दिखा रहा हूं आपको। ये हाई टेंशन तार है, ये गाइस देख सकते हैं पर्पल हीरोइन करके एक बर्ड है, अलग अलग बर्ड के यहां पे प्रजातियाँ दिखी जा सकती है, ऐसा नहीं कि दिखेगा ही, देख सकते हैं मतलब ये सारे बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग बेर को तो जानते होंगे, यहाँ पे बेर लिखा हुआ है। ये रहा बेर का पेड़, सुंदर सा पेड़ है, पता नहीं इसमें फल लगे हुए कि नहीं लगे हुए, नहीं पता मुझे, तो नहीं दिख रहे हैं भाई फल। सो गाइस यहाँ पे रोड पत्थर लगा रखा है, ये जो है ना पूरा का पूरा लगाने के लिए यहाँ पे, लोगों को चलने के लिए। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धीरे धीरे अच्छा होगा, अभी तो ऐसे चल रहा है। पीपल लिखा हुआ है, देखो पीपल, पीपल का पेड़। सो गाइस देख सकते हैं एक ग्रुप आए हुए हैं बच्चों का, और इधर जो है ना पूरे के पूरे फ्लावर्स देख सकते हैं, मस्त लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है भाई, क्या ही कहूँ, इतना सुंदर लग रहा है, वाओ। और यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो नदी है, ये हाई टेंशन सारे, इसके नीचे थोड़ा सा खतरा हो सकता है, इसके नीचे ज़्यादा जाने की कोशिश ना करें। अभी ध्यान से सुनेंगे तो आवाज़ भी आ रहा होगा इसका, इलेक्ट्रिशियन पास हो रहा है ना यहाँ से, ये तारों में से, तो यहाँ पे आवाज़ भी आ रहा है। इधर देख सकते हैं ज़बरदस्त फ्लावर्स है, वाओ मस्त। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना इतने सारे बर्डों की प्रजातियाँ आती हैं। अभी वहाँ पे मैं देख रहा था बहुत सारे बर्डों की प्रजातियाँ हैं, लेकिन मेरे कैमरे में जूम नहीं ना तो दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन यहीं दिखा देता हूँ। ये सब देखते हैं, इस तरह की चिड़ियाँ जो है ना बाहर से आती हैं। अभी जो है ना ठीक है, इस टाइम पर जो है ना आप आ सकते हो, बढ़िया रहेगा। ये रहा लंबे लंबे पैर वाले भी प्रजातियाँ, वहाँ पर दिख जाते हैं सामने,
नदी में ना बहुत सारे आए हुए हैं अभी। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अभी फूल लग रहे हैं और अच्छा बनेगा यहाँ पे। तो गाइस इधर लिखा हुआ है नर्सरी ऑन किड प्ले, इस तरफ चलेंगे हम लोग, देखते हैं इस तरफ क्या है नज़ारा। इधर देखो पौधे वौधे लगाने शुरू करके कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी तो लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। क्यूट का कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मेरा दोस्त मिल गया, दोस्त है मेरा दोस्त हेलो कर दोस्त हो गई हमारी, अब दोस्ती हो गई ना, तो दोस्त है ना। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह के पेड़ बहुत सारे मिल जाएंगे, ये गुलर का पेड़ है ऊपर। नर्सरी अभी बन रहा है, अभी काफ़ी मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने आने वाले दिन में ना, यहाँ पे कुछ भी चीज़ों के लिए चार्जेस लग सकता है। अभी फिलहाल जो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं, ना पार्किंग की चार्जेस है, ना आप लोगों का टिकट, कोई ऐसे टिकट भी नहीं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, 7 बजे तक ओपन है, आप लोग आ सकते हैं, फ्री में घूम सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर देना। देख सकते हैं अभी बन रहा है इधर, तो इस तरह के बर्ड वगैरह आएंगे यहाँ पे, बहुत दूर दूर से बर्ड आएंगे, ये बहुत प्यारा सा लग रहा है ना रेड वाला बर्ड। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगे आने वाले दिन में, लेकिन अभी जो है ना ये बन रहा है, मैं पहले ही आ गया। सो आप लोगों को ये दिल्ली का बहुत सुकून भरा एरिया है, क्योंकि मैं दिन भर मतलब फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ, सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है, तो मैं इस तरह के प्लेस विजिट करना मुझे अच्छा लगता है। पूरा फील्ड खाली है, उसके बाद यहाँ आने वाले देखो टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज़ टॉयलेट है, वॉश बेसिन है, सब कुछ है यहाँ पे, इसकी दिक्कत है नहीं। क्योंकि बच्चों को लेके आए हुए पेरेंट्स वगैरह, अच्छा जगह बना हुआ है, टॉयलेट वगैरह है। पूरे इलाके में देखो खाली है, और ये पेड़ देखो ऊपर अकेला ही, बिना पत्ते का पेड़, वो भी वैसे भी मस्त लग रहा है भाई। सो गाइस देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल है भाई साहब, जबरदस्त मज़ा आ गया भाई यहाँ आके ना, दिल खुश हो गया यार। ऐसा लग रहा है प्लास्टिक के लगे हुए हैं, लेकिन ये रियल में फूल है भाई, मस्त लग रहा है सच में गाइस, देख सकते हैं मुझे पूरा का पूरा प्लास्टिक लग रहा है यार, लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं है, हकीकत के है भाई, जबरदस्त लग रहे हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सारे सफेद और एक लाल फूल, मस्त लग रहा है भाई। देखो बच्चों का कॉम्पिटिशन चल रहा है, बच्चे भाग रहे हैं मस्त तरीके से, कौन फास्ट हो गया, वो छोटा वाला बच्चा लाल वाला टी शर्ट वाला फास्ट हो गया। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. सीता का मतलब ही होता है यमुना, देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगा हुआ है मेरी यमुना का, अच्छा सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा यमुना, मेरी यमुना। और इधर लोग आए हुए हैं देख सकते हैं, बड़ा सा पार्क है यहाँ पे, लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हैं देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग फटाफट अंदर एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक्चुअली एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है ना वैसे तो कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना आने के बाद सुकून मिलता है, सुकून बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, प्लस साथ में ये यमुना का वो बना हुआ है यहाँ पे ना, यमुना का जो पानी है ना वो यहाँ पे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। पिछली बार ये बहुत ज़्यादा टूट फूट गया था, तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप लोगों ने देख लिया पीछे की तरफ, बहुत अच्छा सा फूल वूल लगा के एकदम सजाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। आप लोग विजिट कर सकते हैं, वीकेंड में आ सकते हैं आप लोग,
आगे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं इधर लोग बहुत सारे लोग आए भी हुए हैं, फूल पौधे हैं देख सकते हैं बहुत सारे फूल पौधे मस्त लग रहे हैं भाई ज़बरदस्त, देख लो लोग बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप लोगों को बता दूं सबसे मेन यही है यहाँ पे आके देखने के बाद अच्छा लगा, पानी थोड़ा सा गंदा है जो रियलिटी वही बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बता, आप लोगों को लगता है कि क्या ही अच्छा है क्या अच्छा बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा ही है वाकई में अच्छा है। अगर यहाँ पे आओगे ना देखने से अच्छा यहाँ पे जो ठंडक है और जो सुकून मिलता है ना यहाँ पे आके वो मेन है, तो आप लोग आ सकते हैं देख सकते हैं घूम सकते हैं अच्छा लगेगा आप लोगों को, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर कोई भी व्लॉग देख रहा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह के जो है ना प्लेसेस में विजिट करता रहता हूँ तो आप लोग को अच्छा लगेगा। सो गाइस ये देख सकते हैं पार्किंग एरिया है टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर का, आप यहाँ पे फ्री पार्किंग कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन है नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग करके एंट्री करना पड़ेगा, वह एंट्री करके आप जा सकते हैं अंदर। सो गाइस फिलहाल जो है इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है, क्योंकि सारा कुछ तो मैं विजिट कर चुका हूँ, मैं फिलहाल आ चुका हूँ, थक भी गया हूँ, बहुत अंदर भी गया था, वो बहुत बड़ा जंगल भी है, जंगल की तरफ कुछ ऐसा खास है नहीं, यहीं पे ही है जो भी है, आगे ही है, स्ट्रीम पीछे जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जंगल नहीं मिलेगा, फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया, फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।